दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग और फर्स्ट ग्रेड की आपने शुरू कर दी होगी। देखो, कल एक अच्छी खुशखबरी मिली, हालांकि थोड़ा मिश्रित प्रतिक्रिया जरूर है कि पदों की संख्या पर जो वित्तीय स्वीकृति मिली है 2129 पदों पर, वो डेफिनेटली स्टूडेंट कम पद हैं। अब उसमें से गणित विषय के कितने पद हो सकते हैं उसको लेकर के एक आइडिया लगाते हैं कि इसमें से पदों की संख्या में गणित विषय को कितने पद मिल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं कि 2016 से लगाकर के अभी तक जो विज्ञप्तियां आपकी आई हैं उसमें क्या क्या पैटर्न रहा है, 2016 में आपकी गणित विषय के 662 ही पद आई थी। और ऐसी बात नहीं है कि केवल मैथमेटिक्स में 662 पद थे तो बाकी विषयों में भी कम होंगे, उनमें काफी अच्छे पद थे, 2,500-3,000 तक भी पद गए थे। 2018 में फिर गणित के खाते में ज्यादा पद नहीं आए, 727 पद ही थे, और ये भी ऑलमोस्ट लगभग लगभग सेम ही पद थे, 727। 2022 में फिर स्टूडेंट देखिए पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 900 पद ही भरे गए, यानी कि हमको जो है वो तीनों बार पिछली भर्तियों में 1,000 से कम पद ही हमारे भरे गए हैं। यहाँ पर पूरे पद भरे गए थे, यहाँ पर भी, और यहाँ पर 900 पद ही भरे गए। तो उसमें अब इसके बेस पर एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार जो भर्ती की संभावना है या तो आपके नवंबर में आ जाएगी या दिसंबर फर्स्ट वीक तक, अब ज्यादा दूर नहीं है। मेरे ख्याल से 2025 नहीं लगेगा, 2024 में ही आपकी ये वैकेंसी आ जानी चाहिए। जैसे कि बहुत पहले मैंने अपनी वीडियोज में काफी सारी बात कही थी ये वाली बात, 2024 में ही आपकी दोनों वैकेंसी आ जानी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। अब देखिए स्टूडेंट, 2129 में से कितने पद हो सकते हैं, तो अब मैं देखूंगी ये जो पैटर्न, ये जो एल्गोरिथम दिख रहा है आपको कि मैथमेटिक्स में ज्यादा पद नहीं मिले हैं हमारे को पिछली तीन भर्तियों में। उसमें देखिए इस बार की भर्ती में डेफिनेटली सबसे ज्यादा पद, मुझे विश्वास है कि आपके गणित विषय में ही होंगे सबसे ज्यादा पद। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि कुल पदों की संख्या 2129 है, जो बहुत कम है ना, बहुत कम है। लेकिन अगर हम बात करें इसके सबसे ज्यादा पद गणित विषय में स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट ये पदों की संख्या आपकी 500 के आसपास तक जानी चाहिए मैथमेटिक्स में। ऐसा नहीं होता है कि सभी विषयों में समान रूप से पद बढ़ जाएं, जैसे कि 6 विषय हैं तो सभी में जो है हम 350-350 मान लें, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। कई बार देखा गया है कि कई विषयों में पदों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है और कई विषयों में पदों की संख्या बहुत कम हो जाती है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं पिछले तीन पैटर्न से, पिछले तीन विज्ञप्तियों से, और इस बार मुझे लगता है कि पदों की संख्या आपकी डेफिनेटली ज्यादा होनी चाहिए, 500 प्लस, ये 600 भी हो सकती है, ये आपके 650 भी हो सकती है, ये आपके 700 भी हो सकती है स्टूडेंट, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि गणित विषय में हमको केवल 300 पद ही, 350 पद ही मिलेंगे, सभी में इक्वल पद बटे ऐसा जरूरी नहीं है। जहां तक मुझे लग रहा है कि पदों की संख्या आपकी 500-600 तक डेफिनेटली जानी चाहिए मैथमेटिक्स में, क्योंकि कारण क्या है कि पिछली जो भर्तियां थी उसमें उसमें आर्ट्स के जो सब्जेक्ट थे आपको दिख रहा है उनमें ज्यादा वेटेज मिला है, लाइक SST हो गया, आपके संस्कृत हो गया, तो होता है उन विषयों के अंदर पदों की संख्या इस बार कम देखने को मिले और उसकी भरपाई जो है आपके गणित विषय से हो जाए, और इसमें उम्मीद है कि आपके शायद पदों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक बात इसमें और है कि जो नॉन TSP और जो TSP स्टूडेंट जो रेशो है स्टूडेंट, वो मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, क्योंकि आपको पता है TSP के पिछली बार आपके 90% पद खाली चले गए, 229 पद खाली थे 244 में से, मात्र 15 पद ही भरे गए थे। तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है स्टूडेंट की भले पदों की संख्या 600 आ जाए, लेकिन मुझे लगता है इसमें आपके TSP के पदों की संख्या ज्यादा हो सकती है, ऑलमोस्ट आपके शायद शायद अगर 600 आती है तो आपके 200-400 का रेशो भी हो सकता है, अगर 500 आती है तो तब भी आपके 200-300 या 150-350 का भी रेशो हो सकता है, क्योंकि पदों की संख्या कम है। अगर हम बात करें 2018 में स्टूडेंट TSP के मात्र आपके शायद 70 पद ही थे, और इसके बाद में 900 में से 15 पद ही भरे गए, तो आप देख सकते हैं पिछले 6 सालों में केवल TSP के आपके 85 पद ही भरे गए हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि आज इस बार भले ही पदों की संख्या कम आए, लेकिन TSP एरिया के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खुशखबरी हो सकती है कि उनके लिए पदों की संख्या बढ़ सकती है। अब कितने पद आएंगे स्टूडेंट, देखिए ये सभी कुछ भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमने एक आइडिया एक लगाया है पिछले जो थे भर्तियां उनके अकॉर्डिंग की मैथ्स के पदों की संख्या डेफिनेटली ज्यादा होनी चाहिए, वो कितनी होगी अब वो मुझे लगता है कि अब ये राज ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, बहुत जल्दी ही ये सब आपके सामने आ जाएगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, जिन स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लिया वो आपका बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन से आपको मेरी वीडियो के टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके थैंक्स।